और आपको बता दें कि लगातार हम यूपी की बड़ी सियासी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। अखिलेश यादव के साथ वो इस वक्त समाजवादी पार्टी ऑफिस में मौजूद है, जिसकी तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार ज्वाइन करने के बाद दारा सिंह चौहान क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए चौहान समाज और सभी समाज के सम्मानित नेता मंच पे मौजूद, संजय चौहान जी, राजाराम चौहान जी, विधायक आर के वर्मा जी, ललित यादव जी, चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सामने उपस्थित हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज मैं सबसे पहले आपके सामने कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश के कोने कोने से बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पे, किसी को लखनऊ के बाहर रोका गया, किसी को लखनऊ के अंदर रोका गया, इस चौराहे पे रोका गया, गेट के बाहर पूरी सभी लोग आने नहीं दिया गया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में, जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है, नौजवानों पे रोजगार पाने के लिए पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से किसान अपनी लहलहाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में, जाड़े की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके, कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से, आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती में आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं, 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं, चूंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है, मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा, दलित, तगड़ा, हर समाज के लोग, नौजवान, किसान, अगर आज बस चल जाए इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मोर्चे बना के दिखाने का काम करेगा, ये सोच है। मैं तो कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे, साथियों 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनकी डगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राहि त्राहि मचने लगा,
तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूं कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा का मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं और पूरी तरीके से। अभी तो 15 की बात हो रही है, जैसे बंटवारा हमारा है 85 तो है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं साथियों कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इनका मिलने जुलने का जो इनका विजन है, शायद मैं कहना चाहता हूं इस उम्र में जिस तरीके से विजन के रूप में दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को जो विकास का काम किया, आज उस रोल मॉडल को लोग आज देश के कोने कोने में सारे प्रदेश के लोग एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा विजनरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं जिस दिन पार्लियामेंट में इस देश की सबसे बड़े प्रदेश सबसे बड़ा देश का सूबा है जिसमें आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।